गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। जब मैं माइकल के घर पर आया तो घर में से धुआं निकल रहा था, हो सकता है घर के अंदर शायद आग लग गई हो। ओ माय गॉड, वो आग तो फैलती जा रही है, मेरे को कुछ करना होगा। पर गाइस जमीन पर ये कौन पड़ा हुआ है? शायद माइकल का बेटा होगा, पर आखिर ये मरा कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है ऊपर से कूदकर आग से बचने के चक्कर में गिरकर मर गया। मेरे को सबको जाकर बताना होगा, पता नहीं घर के अंदर अभी कौन कौन फंसा होगा। यार दरवाजा तो बंद है, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको बंद कौन किया होगा। चलो इसको तोड़कर हम अंदर चले जाते हैं। ओ माय गॉड, जमीन पर तो माइकल पड़ा हुआ है, शायद ये भी मर गया पर पता नहीं कैसे। देखो गाइस खिड़की में वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। यार ये तो साइरन हेड है, पर यहाँ कहाँ से आया? कहीं इसी दानव ने सबको तो नहीं मारा? पर मेरे को एक बात समझ नहीं आई, ये दानव यहाँ आया कैसे? अब उसको अचानक क्या हुआ और वो जा कहाँ रहा है? कहीं वो अंदर तो नहीं आ? चलो गाइस घर में जाकर बाकियों का पता करते हैं। धत तेरी की, ये तो माइकल की वाइफ है। अबे ओए ओए ओए, अभी तो आग मेरे को जला देती। पर गाइस ऊपर की तरफ से ये खून क्यों गिर रहा है? मेरे को ऊपर जाकर पता करना होगा। ये आग तो काफी परेशान कर रही है। देखो सामने की तरफ, वहाँ भी कोई जल रहा है, मेरे को इसको बचाना होगा नहीं तो ये मारी जाएगी। चलो जल्दी इसको बुझाते हैं, पर शायद मैं लेट हो गया, वो जिंदा नहीं बच पाई। यहाँ तो हर तरफ आग ने कब्जा कर रखा है। यार यहाँ पर तो 3 ताबूत पड़े हुए हैं, पर इन पर कौन है? ओ भाई साहब, ये तो माइकल की बेटी का भूत है। और देखो उसका बेटा कैसे ताबूत को घूर रहा। और गाइस यहाँ पर तो उसकी वाइफ की आत्मा भी है, पर वो घबराई हुई है। चलो यहाँ से सीधा हम ऊपर चलते हैं, पता नहीं अभी भी मेरे को क्या क्या देखना पड़ेगा। सच बताऊँ तो अब मेरे को घबराहट हो रही है। चलो इस कमरे को चेक करते हैं। ओ माय गॉड, वो साइरन हेड तो बड़ा हो गया। देखो वहाँ खड़ा होकर मेरे को कैसे घूर रहा है। अच्छा होगा मैं छुप जाऊँ, नहीं तो मारा जाऊंगा। अरे वाह, वो तो जाने लग गया, पर पता नहीं कहाँ जा रहा है। पर गाइस जो भी हो, मैं चाहता हूँ वो चला जाए, तभी मैं बच पाऊंगा। हो सकता है वो साइरन हेड यहाँ मछलियाँ खाने आया हो, इनसे तो खून भी निकल रहा है। शायद ये सभी मछलियाँ यहाँ से बाहर आई हो, लेकिन इस वाली को देखो, इसके अंदर से भी खून निकल रहा है। अब ये किसका कमरा है? यार ये तो माइकल की बेटी की बॉडी है, जिसकी आत्मा मैंने नीचे देखी थी, पर उसने कमरे के अंदर घास क्यों उगा रखी है? चलो बाहर निकलते हैं। ओ भाई साहब, ये घर के अंदर कौन भाग रहा है? शायद आग फैलने लग गई, मेरे को भी यहाँ से भागकर बाहर निकल जाना चाहिए। पर गाइस किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, मेरे को कोई और रास्ता खोजना होगा। चलो इसको तोड़कर कूद जाते हैं। आखिरकार किस्मत से मैं बाहर आ गया। ओ माय गॉड, ये राक्षस तो घर के ऊपर खड़ा है। अच्छा हुआ छुप गया, नहीं तो मारा जाता। चलो छुप कर यहाँ से निकलते हैं। पर गाइस अभी भी ये दानव यहाँ पर कर क्या रहा है? शायद माइकल के परिवार को मार कर अब वो मेरे को मारना चाहता हो। पर जो भी हो जाए, मैं उसके चुंगल से निकल जाऊंगा। पर एक बात समझ नहीं आई, आखिर वो कौन होगा जिसने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए? मेरे को जल्दी भागकर पानी में छुपना होगा। यार ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, पर शायद वो वापस से यहाँ से जाने लग गया। चलो जल्दी बाहर निकलकर हम यहाँ से फरार हो जाते हैं। देखो बाहर जाने का मेरे को रास्ता मिल गया और एक बढ़िया कार भी मिल गई, जिससे मैं यहाँ से दूर भाग जाऊंगा। अब सामने क्या हुआ? पुलिस ने रास्ता क्यों रोक लिया? ये तो किसी पर हमला कर रही है, पर ये क्यों डरा हुआ है? शायद इसने कुछ ऐसा देखा होगा जो काफी भयानक हो। ओ भाई साहब, शायद उसने इसी को देखा था। चल चल चल, भाग भाग भाग। गाइस बाल बाल बच गया, अभी तो उसके हाथों पकड़ा जाता। अच्छा हुआ मेरे पास कार थी। यार वो तो पागल हो गया, देखो पीछा करके यहाँ गया। अब मेरे को दूसरी कार लेना होगा, पता नहीं वो कहाँ है, जरूर पीछा कर रहा होगा। गाइस मैंने सोचा था, देखो वही हो गया। मेरे को कूदना होगा नहीं तो मर जाऊंगा। ऐसा करता हूँ ट्रेन पर चढ़ जाता हूँ।
Oh no! ट्रेन ने तो धोखा दे दिया, अब तो मेरे को भागकर कहीं पर छुपना होगा, शायद यहाँ पर मैं सुरक्षित रहूँ। अबे नहीं ना यार, वो दानव तो यहाँ भी आ गया, इसका कुछ करना होगा। ये बूम! ओहो, चलो पास में जाकर देखते कहीं वो जिंदा तो नहीं। अरे भाई ये तो मर गया। गाइस आखिरकार मैंने इस दानव को जान से खत्म कर दिया और माइकल का भी बदला ले लिया। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। जाने से पहले वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा।